वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड और आज जितना प्यार मिल रहा है हमें YouTube पे गाना ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें मोर देन 1 लाख कमेंट्स मिले हैं हमारे वीडियो पे एंड मोर देन आई थिंक 300K लाइक्स 1 लाख हो गए एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टू टच 1 लाख कमेंट्स. अभी हाल ही में सुबह ही गाना लॉन्च हुआ और 1 लाख कमेंट्स इज़ लाइक वेरी वेरी बिग फॉर ऑल ऑफ अस. सो ये सब आपका प्यार है एंड थैंक यू सो मच. आप तीनों हमेशा लकी रहे जब भी गाने किए थे बोलने की लाइक सुपर हिट. तो हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस? वी वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये हमारा तीसरा गाना है. हमने पहला गाना किया था तेरे बिन की में फॉलोड बाय फ्रूटी लग दी है और इतना प्यार मिला हमें एंड हमेशा हमें प्यार मिलता है जब भी हम साथ में आते हैं एंड वी सो सो हैप्पी दैट हमें कभी किसी की नज़र नहीं लगे और हम ऐसे ही साथ में करते रहें. बाकी फैजू भाजी बोलो नहीं बोलो अच्छा लग रहा है. मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम लोगों का कमबैक वीडियो जैसे फ्रूटी था और उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी हम लोगों की और उसमें भी बहुत अच्छा प्यार मिला और इस वीडियो में भी हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिला है. हम लोग ने लास्ट टाइम फ्रूटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, मतलब फ्रूटी में इतने कम टाइम में कमेंट कवर नहीं हुए थे जितना फास्ट अभी हुए. हमने हमारा ही नहीं, मतलब आई थिंक इन द इंडस्ट्री आल्सो वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट या फास्टेस्ट होंगे टू टच 1 लाख कमेंट्स. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टूडे. आई थिंक पूरे एक साल के बाद तो हम एक कोई सॉन्ग लॉन्च अटेंड कर रहे हैं. आई थिंक आफ्टर फ्रूटी यही वाला एक लॉन्च हो रहा है जिसको अटेंड कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली एंड जब भी हमारा गाना आता है इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल और लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार देते हैं और सुबह से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. इनफैक्ट गाना आने के पहले जब से हमने अनाउंसमेंट की थी तब से ही लोग इतना एक्साइटेड थे वो वेट ही नहीं कर पा रहे थे. सो उनकी एक्साइटमेंट देखकर भी बहुत खुशी होती है और वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. मुझे तो लग रहा था बहुत मुझे बहुत डर लग रहा था और यहाँ से जाने के बाद भी आई वॉज वेरी स्कैड. आई वॉज अरे बाप रे मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल करके आई हूँ, 3 दिन तो मैंने देखा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं. बट देन एवरीथिंग वाज फाइन एंड वी टुक ऑल प्रिकॉशंस. सब ने पूरे पूरे प्रिकॉशंस दिए. हमने बहुत कम लोगों के साथ बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ शूट किया. सो आई थिंक या वी आर ऑल गुड. मुझे इतना डर नहीं लगा क्योंकि मेरा बीच में वेब सीरीज़ का शूट भी हो रहा था, वो भी प्रिकॉशन के साथ में हो रहा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कैसा किधर क्या कैसा बचना है. नहीं डर तो हमेशा रहता है बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम छोटी टीम के साथ पूरे प्रिकॉशंस के साथ गाने शूट करें और आप सबको एंटरटेन करते रहें क्योंकि काम करना भी ज़रूरी हो गया है एंड वी गॉट टू लिव अप टू इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू टी सीरीज़ फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म जो आज हम इस गाने को लॉन्च कर पाए हैं उस पर एंड दे ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द सॉन्ग इज़ डूइंग फैंटास्टिक. बस आप सबका सपोर्ट मिलते रहेगा तो आई थिंक टुमारो विल बी ट्रेंडिंग नंबर 1. इंशाल्लाह रात नहीं हो जाएगा. Hex, I would like to specially thank Hex because they've really supported us and associated with us for the launch and it's a lovely place and I'm going to keep coming here for
यू नो ऑल माय पार्टीज एंड ऑल माय इवेंट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा लग रहा है, हाँ धीरे धीरे बड़ी खुशियाँ आ रही हैं। और राम जी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे कन्विंस किया था कि गाना गा लो पिक्चर में। किसी सिंगर की डेट नहीं थी, नहीं एक्चुअली राम जी ने ही प्लान किया था। सिंग्स वेरी वेरी वेल। मुझे राम जी बोले कि आप गाना गा लो, तो मैंने कोशिश की, लेकिन इन्होंने अच्छी ट्यूनिंग की थी उसकी। इन्होंने गाया बहुत अच्छा था। ये जब इनसे गवा सकते हैं तो मैं तो थोड़ा सिंगर हूँ ही। तो आई केम टू नो के राम जी का लॉन्च है, तो डेफिनेटली फॉर हिम वी आर देयर बोथ ऑफ अस, सुदेश जी एंड मी, तो वेरी हैप्पी। अच्छा ये साल ख़त्म हो रहा है, बहुत ही ख़राब रहा है, बट आई थिंक अभी जैसे जैन आ रहा है धीरे धीरे, थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि थिएटर खुल रहे हैं चीज़ें। हाँ जी, हाँ मैं भी आ रहा हूँ बाहर आजकल बिना मास्क के, तो कोई टेंशन नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू राम जी, जस्ट वेटिंग के ऐसे ही राम जी लाइमलाइट में आते रहें, उनके एल्बम उनकी फिल्में रिलीज़ होती रहें, एंड सून वील सी राम जी डूइंग द, अभी इज डूइंग बेस्ट ऑफ वर्क बट बेस्ट ऑफ फिल्म वेरी सून, तो आई विश द बेस्ट फॉर हिम। सर लॉकडाउन कैसा निकला? हाँ जी, लॉकडाउन में कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ें टूट गई? मैं कश्मीरा के साथ, अब सोच लो कैसा निकला। आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक, इनके सारे गाने हिट होते हैं हमेशा ही, बच्चे बच्चे की जुबान पे कहते हैं ना गाना, तो वो इन्हीं के होते हैं, क्योंकि इनके मॉडल भी जो है बड़े स्मार्ट होते हैं, जैसे जन्नत है, कैजू है, और खुद इतनी अच्छी आवाज़ है, और इतनी तारीफ करने का मेरा मतलब यही है कि मुझे भी मौका दें थोड़ा कभी। बहुत वी आर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और 100,000 कमेंट हो चुके हैं गाने पे विद इन लाइक 6 आवर्स, इट्स लाइक अ न्यू रिकॉर्ड, एंड इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इतना सपोर्ट देने के लिए, भूषण जी को, रचना जी को, टी सीरीज को, एंड ऑल आर फैंस, एंड आप सबकी वजह से, आप हमेशा इतना प्यार देते हैं, आप सबकी वजह से एंड सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम आज, नहीं नहीं ये मुझसे बड़े हैं, इनकी ब्लेसिंग चाहिए। सर धीरे-धीरे काम ट्रैक पे आ गया है, हाँ क्या कहना चाहेंगे अभी? नहीं, बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था सारी चीज़ें ट्रैक पर आना, तो लॉकडाउन खुलते हमारा शो तो ट्रैक पर आ गया था, लेकिन बाकी चीज़ें ट्रैक पर आना ज़रूरी हैं, तो वी वॉन्ट फिल्म्स के फिल्म्स थिएटर में लगें, ऐसे ही लॉन्चेज हों, आजकल कहाँ लॉन्चेज हो रहे हैं, बहुत कम होते हैं, तो टी सीरीज तो हमेशा ही रहता है ट्रैक पे, और हिम्मत बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकी भी हिम्मत है और टी सीरीज की भी हिम्मत है, बहुत अच्छी बात है, एंड वी विश द बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम, और हम विश करते हैं कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो, और फिर क्लब में हम इसी गाने पे नाचें। बस दुख है, मतलब खुशी है, नहीं नहीं खुशी है, कश्मीरा पूरे बाहर आ चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे सुदेश जी? उसकी खुशकिस्मती है, और इसकी इसकी भी खुशकिस्मती है। जी हमने देखा कि आप बिग बॉस फॉलो करते हैं, तो आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरे तो मतलब सारे अच्छे हैं, कश्मीरा फेवरेट है, कश्मीरा मेरी सबसे फेवरेट है, उसने मुझे 1,500,000 अभी उधार दिया था। जो जो देता रहे मेरा फेवरेट। वैक्सीन आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप कॉमेडी अंदाज में? क्या क्या आ रही है? वैक्सीन, दवाई आ रही है कोरोना की, हाँ काफी चर्चा में है। हाँ क्या कहना चाहोगे?
मैं क्या कहना चाहूँ, सब खुश हैं अगर वो आए, जल्दी जल्दी आए, हम सब ऐसे ही, ये तो हमारी मजबूरी है, कैमरे के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन हम भी सारे कवर रखते हैं, तो फिर खुल के आए, थोड़ा जल्दी जल्दी आए, ये अच्छी बात है, बहुत सब खुश हैं इसमें। सबसे बड़ा मोर्चा किसानों का मोर्चा है, क्या कमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस सब हम चाहते हैं अभी सब ठीक हो जाए और खुशी खुशी हो और इतनी खुशी आए, और मतलब वो जो हमारे किसान है कहीं के भी हों, कहाँ भी रहते हों, उनके साथ बेइंसाफी ना हो, हर समय की सरकार को ये चाहिए कि उनके सारे आर्टिस्ट यही कह रहे हैं एक्चुअली उनके बारे में कि उनको सपोर्ट करना चाहिए सभी को, और उनकी जितनी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए।